हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जितना क्वेश्चन बताने वाला हूं इन सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है पेपर देने से पहले। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। मतलब जो आपका यहाँ ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और आपको अभिक्रिया और इसका उदाहरण, सारी चीजें आपको बताना है। तो यहां मैं आपको सबसे पहले परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, ये जो होता है ना ऊष्मा छेपी, और ऊष्मा छेपी मतलब होता है दहन। अब आप लोग बताओ, जब हम लोग दहन करते हैं मतलब किसी चीज को जलाते हैं तो ऊष्मा बाहर आती है कि नहीं, मतलब हमें ऊष्मा मिलता है कि नहीं? मिलता होगा, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, ठीक है। अब वही कहने का मतलब है, दहन का मतलब होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होना, ठीक है। जैसे परिभाषा देखो कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ, मतलब जब उत्पाद बनता है ना, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, मतलब उत्पाद बनेगा उसके साथ प्लस ऊष्मा भी बनेगा, उन्हें हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आप लोग बताओ, इसमें आपको कोई दिक्कत है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका मैं आप लोगों को उदाहरण बता देता हूं, एक सिंपल सा उदाहरण है जो कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आप लोग उदाहरण समझो, ठीक है, अभिक्रिया इसका। जैसे जब हम लोग ऊष्मा छेपी में मेथेन, ठीक है, मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है। ध्यान से समझना, आसान सा एग्जांपल बताऊंगा इसका। हम लोग, ये आपका गैस की अवस्था में होता है, प्लस आप लोग इसमें जब ऑक्सीजन यानी कि 2O2 यानी कि ऑक्सीजन भी आपकी गैस की अवस्था में होता है, और इसको जब आप लोग अभिक्रिया कराओगे तो आप लोगों को मिलेगा CO2, वो भी गैस की अवस्था में, और प्लस आप लोगों का 2H2O, ठीक है, ये भी गैस की अवस्था में, प्लस आप लोगों का ऊष्मा उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है आपको प्लस ऊष्मा मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ है, ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आप लोगों का अभिक्रिया हो जाएगा, इसका उदाहरण। अगला देखो हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है, शोषी मतलब होता है अवशोषण करना, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आप लोग परिभाषा समझो कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? वही आप लोगों का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा या फिर ऊर्जा एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा परिभाषा हो गया दोनों का। देखो, आपको ऊष्मा छेपी में ऊष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। यहां आपका माइनस ऊष्मा रहेगा, जैसे मैंने यहां प्लस ऊष्मा लिखा है, जहां प्लस ऊष्मा लिखो हो वो आपका ऊष्मा छेपी होता है, जहां माइनस ऊष्मा लिखा हो वो आपका ऊष्मा शोषी होता है। इतना याद रखना क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसका मैं आपका सबसे सरल आपको एग्जांपल यानी कि उदाहरण बता दूं, सबसे सरल उदाहरण। जैसे आप लोगों का N2 है, N2, ठीक है, ध्यान से समझना N2, और N2 में जब आप O2 जोड़ोगे, ठीक है, N2 में आप O2 जोड़ोगे, ध्यान से समझना, इससे सरल एग्जांपल कोई नहीं बताएगा। जब आप इसमें आप लोग जोड़ोगे तो आप लोगों का 2NO बनेगा। क्या बनेगा? 2NO। देखो यहां आपका बैलेंस भी है लेकिन माइनस ऊष्मा रहेगा। माइनस ऊष्मा का मतलब है यहां ऊष्मा आप लोगों का अवशोषित हो रहा है, माइनस ऊष्मा मतलब अवशोषित होना, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोनों आपका परिभाषा, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी का आप लोगों का परिभाषा। यहां से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स आपको तुरंत ही मिल जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। यहां से आपका उदाहरण भी हो चुका और सारी चीजें आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये हमारा पहला जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत ही बार पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन आप लोग समझो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है।
या क्यों रखा जाना चाहिए? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इन्हें हम लोग अर्धरोधी वर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी आपको अच्छी तरह से व्याख्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब ये आपके जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको समझना होगा, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, रिएक्शन के साथ समझाऊंगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, जो आर्द्रता होता है नमी होता है जल, ठीक है, आर्द्रता नमी या फिर जल के संपर्क में आकर, अगर ये इन सब के संपर्क में आया तो बड़ी तीव्रता से, मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता यानी कि तेजी से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये जो आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत तेजी से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। जिप्सम एक बहुत ही ज्यादा कठोर पदार्थ है। और अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है, मैं आपको अभिक्रिया के साथ समझा देता हूं, जैसे आप लोग समझो। आप लोगों का जैसे आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला तो सभी को पता होगा कि नहीं पता? पता होगा ना, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि भी बताया है, तो इतना तो पता ही होना चाहिए। यहां का होता है CaSO4 और आप लोगों का N2 ½ H2O, यानी कि यहां पानी जो होता है ना हाफ होता है, ठीक है। अब इसमें आपको अभिक्रिया कराना है आप लोगों का 1 ⋅ 1/2, यानी कि आप लोगों का यह है 2 ⋅ 1 = 3, यानी कि 3/2 वाटर से आपको रिएक्शन कराना है। अगर इतना वाटर पाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, तुरंत आपका जिप्सम में बदल जाएगा, मतलब पानी से संपर्क में आएगा तो आप लोगों का जिप्सम में बदल जाएगा, यानी कि CaSO4 और N2 ⋅ 2H2O, ये आपको है जिप्सम, देख लो ये है अभिक्रिया। मतलब आपको यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, और जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया जो आप लोगों का समीकरण निम्नवत है, ये आप लोगों की अभिक्रिया का समीकरण है, और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री में 7 मार्क्स का जरूर आता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 100%। लिखा हुआ है धातु की सक्रियता श्रेणी, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, या फिर इसी को आप लोग समझ लेना विद्युत और रासायनिक श्रेणी, दोनों एक ही होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो धातु की सक्रियता श्रेणी होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी दोनों एक ही होता है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको तुरंत समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप लोगों का यहां से कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है, चाहे आप इसे सक्रियता श्रेणी कहो या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो, दोनों एक ही होता है, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, सबसे ऊपर आपका सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील और ऐसे धीरे धीरे सबसे नीचे आपका सबसे कम अभिक्रियाशील वाले आपके धातु रहेंगे। तो यहां वही कहा गया है कि जिस आपका जो रासायनिक आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी जो श्रेणी है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका भैया अनुप्रयोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुप्रयोग मतलब इसका आप लोगों का अनुप्रयोग होता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां से धातु की सक्रियता श्रेणी की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने लिखा है काफी आसान तरीके से। देखो आपको जो धातुओं की क्रियाशीलता क्या उरोही क्रम में ही तो व्यवस्थित करना है, बस हो गया आपका परिभाषा, इतना ही है बस, ठीक है। ये सारे तो आपके मतलब परिभाषा को थोड़ा लॉन्ग बनाने के लिए लिखा जाता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है, यहां तक तो आपको कुछ नहीं है, मतलब केवल हम क्वेश्चन से लिख दिया, ठीक है। तो यहां एक लाइन कुछ नहीं है, फिर जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इतना ही आपका परिभाषा है, और ये मैंने लिखा है इसके लिए जो अभी मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूं। ये जो आपके धातुएं हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जो आपके सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं, देखो पहला हमारा है आप लोगों का पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, ठीक है। दूसरा है सोडियम, Na सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, और Fe से आपका आयरन हो जाएगा, Pb से आपका लेड हो जाएगा, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से आपका मरकरी, एंड Ag से सिल्वर, एंड Au से गोल्ड, ठीक है। यहां से आपको इतना समझ में आया।
अब यहां मैंने क्या लिखा, एक तीर बनाया हो भी उल्टा। अरे भाई एक तीर बनाया हो भी उल्टा, हाँ उल्टा, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये आपका उल्टा इसलिए बनाया गया क्योंकि ये आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील, फिर ये घटती अभिक्रियाशीलता, फिर सबसे नीचे आपका सबसे कम अभिक्रियाशील है, मतलब आपका अवोही क्रम में है, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा, सबसे नीचे सबसे कम, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन के नीचे है ना, ये सारे ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन से नीचे हैं। अब हाइड्रोजन से नीचे हैं इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ऐसा रिएक्शन आपसे आता है, ठीक है। आपको सीयु के साथ दे देगा, एच को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो आपको नो रिएक्शन लिखना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे कर लेंगे, इतना समझ में आया। और एक बात और समझ लो, जो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु है ना वो है आपका एक, जैसे मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन, जैसे ये आपका हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम है, और सारे बहुत सारे हैं ऊपर जो है वो सारे अधिक सक्रिय हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम लिख दिया, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है वो है कॉपर, ठीक है, कॉपर। तो मतलब यहां से जो अधिक सक्रिय है वो आपके हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, और जो कम सक्रिय है वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, बस इतना समझना है। अनुप्रयोग में समझो, अनुप्रयोग जरूर तैयार कर लेना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुप्रयोग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का। तो अनुप्रयोग में नंबर फर्स्ट लिखना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है इसकी सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, मतलब तुलना की जा सकती है, लाइक जहां का तुलना की जाए कि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है कि जिंक, तो आप कहोगे ना कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्यों, क्योंकि यह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है या फिर कॉपर से ऊपर स्थित है, बस इतना सा आपको कारण लिख देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। अगला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होता है। मैंने कहा है कि आप लोगों का विभिन्न, आप लोगों से विभिन्न अम्ल होते हैं ना, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने का। अब ये जो आप लोगों के नीचे है ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, बस। तो अनुप्रयोग आपको ये फर्स्ट वाला समझना है, सेकंड वाला आपका दोनों अनुप्रयोग समाप्त। ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा अच्छे से समझा दें, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, मेहनत किया है, तो आप लोग भी यार पढ़ाई में मेहनत करो, आपके पास समय है नहीं, आप लोग जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो, ठीक है, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर आएगा नहीं, आप लोगों को जितना टाइम है उतना सारा पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन समझो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हो 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब हर साल आया हुआ है, टिप्पणी करने के लिए आ जाता है फिर, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आ जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में हर हाल के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो परिभाषा है वो है समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है प्रश्न है, और उदाहरण के साथ समझाइए, समजातीय श्रेणी क्या है उसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो आप लोगों को पता होगा समजातीय, नाम से है ना स्पष्ट कि समजातीय जिनके जाति समान हो, अर्थात जिनके क्रियात्मक समूह समान हो, या फिर उनके आप लोगों के सामान्य सूत्र समान हो, वही आपका होता है समजातीय श्रेणी। अब मैं आपको परिभाषा के साथ समझाता हूं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, लक्षण के साथ समझाऊंगा, लक्षण जो इनके हैं, तो मतलब सारी तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग देखो, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, मतलब जिनके सामान्य सूत्र, जो उनके सामान्य सूत्र हैं एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं उन्हें समजात गण कहते हैं। ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप मन से पढ़ लोगे। देखो कहने का मतलब है, जो कार्बनिक यौगिक है, ये आपका कार्बनिक यौगिक चैप्टर है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जैसे आपका CN, ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, तो ये आपका सामान्य सूत्र है, और अल्कोहल का ये आप लोगों का, जैसे अल्कोहल का ये आप लोगों का क्या है, आप लोगों का क्रियात्मक समूह है। तो सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, मतलब एक ही जैसा हो, चाहे आपका एल्कोहल से है तो आपका मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, तो वो आपका एक ही समूह है, एक ही क्रियात्मक समूह है, तो एक जैसा, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा इसके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। अब एग्जांपल तो आप लोगों को समझा दूंगा, लाइक इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। देखो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आप लोगों का मेथेनॉल है, मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3
OH, OH समूह है। अब ध्यान से समझना, अब इसके जो अंतर्गत जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे वो OH समूह के होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है तो आप सेकंड एग्जाम्पल डालकर आप लोग दूसरे समूह का भी लिख सकते हो। तो अब आप लोग जैसे मैं लिख देता हूं एथेनॉल, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, ये आपका हो गया एथेनॉल का फार्मूला। देखो यहाँ भी OH ग्रुप है, मतलब इनके समान सूत्र क्या है, दोनों के समान है। अगर ऐसा मैं आपको एक और बढ़ा दूं, मतलब प्रोपेनॉल लिख दूं, प्रोपेनॉल, तो फिर कोई दिक्कत है कि आप लोगों को दिक्कत है प्रोपेनॉल? अब प्रोपेनॉल में कुछ नहीं करना है, केवल जैसे आप लोग लिखो CH3 फिर CH2 केवल बढ़ा दिया करो, CH2 जैसे यहाँ CH2 एक और CH2 बढ़ा दो, CH2 और OH, ये भी आपका एल्कोहल समूह है, मतलब तीनों आपके एल्कोहल समूह के हैं, मतलब इनके आपके क्रियात्मक समूह क्या है, समान है, इसलिए आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लक्षण समझ लो, क्योंकि लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगा समझाते श्रेणी के बारे में। देखो पहला यानी कि ए नंबर, सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर इनकी आपको एग्जाम्पल लिखना है तो सभी सदस्यों को एक समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। दूसरा, प्रत्येक कर्मागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होना चाहिए। अगर आपको जो आप लोगों का समान सूत्र होता है ना वो उस टाइप से लिखोगे तो आप लोगों का CH2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों का CH4 है, CH4 आपका किस समूह का है, एल्केन समूह का, तो C2H6 ये भी एल्केन समूह का है। अब इन दोनों के बीच देखो अंतर कितना है, यहाँ C1 ज्यादा है, C और यहाँ H2 ज्यादा है, CH2 का अंतर है ना, तो ये भी आपका समझातीय श्रेणी का एक एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। सी वाला देखो कि किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं, मतलब किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर, उनका गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के गुणधर्म हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो सभी के, मतलब अगर इनके जो एग्जाम्पल होंगे वो या तो सामान्य सूत्र सभी का समान होगा या फिर उनके क्रियात्मक समूह समान होंगे, तो अगर पता चल गया ये एल्कोहल समूह का है तो सभी को कह सकते हैं एल्कोहल समूह का है, और अगर एक का जो गुण होगा वही सभी का गुण होगा, क्यों? क्योंकि वो भी एल्कोहल समूह का है और वो भी एल्कोहल समूह का है, तो इसीलिए ना। तो ये आपका हो गया आपके लक्षण, ठीक है, समझाते श्रेणी की परिभाषा, एग्जाम्पल और लक्षण, सारी चीजें आपको समझ में आ गया। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम में आए ऐसे छाप के चले आना, एक भी नंबर एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा देखकर आप लोग बच्चा मत समझना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपका आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा लिखना है, लिखा है 2011, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, और आप लोगों ने एक और आवर्त सारणी सुना होगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सुना है ना, तो सुना है तो अभी जान भी जाओगे बहुत अच्छे से। देखो आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा ही पूछा जाता है, ठीक है, विशेषता मत याद रखना, केवल दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता पूछा जाता है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आप याद कर लेना, बुक में है, गाइड में है, क्वेश्चन बैंक में है, हर जगह है, याद कर लेना। अब आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा लिखिए, नियम लिखिए, तो ध्यान से समझना, एक सेकंड का काम है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है ना, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार, मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनके नियम के अनुसार, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में यह कहा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अगर जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, लेकिन मेंडलीफ जी ने इसी का उल्टा कहा था कि मेंडलीफ के नियमानुसार आप कह सकते हो कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते, इतना चेंज किया था मेंडलीफ जी ने। मेंडलीफ जी ने केवल परमाणु क्रमांक के आधा स्थान पर परमाणु भार कर दिया था, बस। यहां से आपके दोनों नियम तैयार हो गए होंगे। यहां आपको आधुनिक आवर्त सारणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही तैयार कर लेना है। अगला समझो, ये यार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आई होप, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि 4 नंबर यहां से फिक्स होने वाला है। समझ लो 4 मार्क्स आप लोगों का फिक्स होने वाला है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोलॉजी में। देखो आपका है YVA, जो YVA होते हैं तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इसी अंतर को पूछा जा सकता है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों एक ही हैं। चाहे आपसे देखो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जिसमें उपस्थित हो, और अनाक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन न उपस्थित हो, वायवीय जिसमें वायु उपस्थित हो, अवायवीय अवायवीय मतलब जिसमें वायु न उपस्थित हो। अब बताओ अगर वायु होगा तो ऑक्सीजन भी होगा, और जिसमें वायु नहीं होगा उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगा,
ठीक है। तो चलो फिर अब हम लोग अंतर को समझते हैं। एक तरफ आप लोग हेडिंग डाल देना वायवीय शोषण, एक तरफ आप लोग हेडिंग डाल देना अवायवीय शोषण, और बीच में आप लोग ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहला वायवीय शोषण में समझो कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक छोटा सा हेडिंग समझना है कि जो वायवीय शोषण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अवायवीय शोषण जो होता है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो अवायवीय शोषण होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। दूसरा आप लोग समझो इसमें, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जो आप लोगों का वायवीय शोषण है इसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, मतलब पूरी तरह से इसका खंडन होता है, टूटता है, ठीक है। और इसमें जो है ना ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। देखो एक प्रकार से उल्टा होता है, अगर कोई भी अंतर है तो वो एक दूसरे का उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसमें आप लोग ऑटोमेटिक वैसे कह दो कि नहीं उपस्थित होता है। इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ही नहीं होता है। अब थोड़ा सा चेंजिंग आ गया, देखो इसमें जो आप लोगों का CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद है, मतलब अंतिम उत्पाद इसमें CO2 गैस है तथा आपका जल है, लेकिन इसमें अंतिम उत्पाद एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद है। इसमें जो एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल जो है ना अंतिम उत्पाद है, और इसमें आपका CO2 जो है ना वो अंतिम उत्पाद है, और जल जल भी है, H2O, H2O भी आपका अंतिम उत्पाद है, मतलब इसमें किसमें वायवीय शोषण में। अब आपका यहां चौथा अंतर समझो, बस इतना अंतर समझना, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन आप लोगों का जो अवायवीय शोषण है, अनाक्षी शोषण है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आप लोगों को दोनों अंतर समझ में आ गया होगा, अवायवीय शोषण एवं वायवीय शोषण, या फिर ऑक्सी शोषण या फिर अनाक्षी शोषण में, ठीक है। ये है शोषण के प्रकार हैं दोनों, ठीक है। तो यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, आप लोगों का एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, 2011, 12, 15, 20 एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आप लोगों के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा है इसको आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना कि विद्युत प्रतिरोध का मतलब विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, का क्या अर्थ है विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है, और एक धातु जो एक धातु के तार किन बातों पर निर्भर करता है, या फिर चालक तार जो है किन बातों पर निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोध यहां आपसे या फिर पूछ सकता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप लोगों को मैं सबसे पहले समझाऊंगा विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, ये भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप प्रतिरोध के बारे में समझो, प्रतिरोध मतलब होता है जैसे ये आप लोगों का आपका तार है, तार के बीच में लाइकेज आप लोगों का यहां अवरोध उत्पन्न करना, जैसे इसमें आप लोगों का धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये बीच में ये अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब ये अच्छे से जा रहे थे लेकिन अभी एक ब्रेकर टाइप का आ गया और ऐसे ऐसे चलने में काफी समय लग गया, अवरोध हो गया और यहां फिट निकले। तो जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वही तो विद्युत प्रतिरोध होता है। बस अब लिखना कैसे है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध या फिर विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का यही परिभाषा है और बहुत आसान सा परिभाषा है और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं कि वीडियो को देखो और आपको फटाक से याद भी हो जाए साथ में। अब आप लोग देखो प्रतिरोध, प्रतिरोध अर्थात इसे R से प्रदर्शित करते हैं, यह आपका होता है विभवांतर, विभवांतर अर्थात V बटे में आपका धारा, ये ओम के नियम पर है आपका, ठीक है I। अब यहां आप लोगों का प्रतिरोध का मात्रक होगा, जो आप लोगों का प्रतिरोध का मात्रक होगा वो आप लोगों का एक होगा V से वोल्ट, मतलब विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है यहां से, और धारा का मात्रक आप लोगों का एम्पियर होता है। अब यही जो आप लोगों का होता है बराबर ओम के होता है,
यानी कि ये आपका ओम, मतलब आप प्रतिरोध का मात्रक ओम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ओम। याद रखना ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक है ओम, जो कि आप लोग ऐसे डिनोट कर सकते हो, ये इसका प्रदर्शित करने का चिन्ह है। और ये भी आप लोगों का प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये दोनों है। यहां से आपको प्रतिरोध का मात्रक भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, देखो आपको किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है, देखो तीन बातों पर निर्भर करता है, लेकिन मेनली आपका दो ही बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला आप लोगों का है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। पहला क्या है? उसकी लंबाई पर। यहां लंबाई का मतलब आपका, यहां आपका आर जो है ना वो अनुक्रमानुपाती है एल के, किसके? एल के अनुक्रमानुपाती है। और यहां दूसरा आप लोगों का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध आर जो होता है ना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब यहां आप लोगों का चालक तार का क्षेत्रफल जो है ना इसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/a लिखा हुआ है। तो यहां जो होता है ना चालक तार का प्रतिरोध, पहला लंबाई पर निर्भर करता है, वो आपका प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, और आपका जो आपका क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चा पार्टी यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार करना। अब यहां से आप लोग ये समझ लो ना, फिजिक्स में आपका 7 मार्क्स फिक्स हो गया, लिख लो भाई, गारंटी के साथ फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर भाई रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, देख सकते हो NCERT का क्वेश्चन है, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 में आया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग यहां देखो, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिखा हुआ है विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए, आप लोगों को अच्छे से आरेख खींचना है, और इसका सिद्धांत क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, और विद्युत मोटर में विभक्त वाले का क्या महत्व है। भाई विद्युत जनित्र भी आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो विद्युत जनित्र भी मैंने पढ़ाया है, देख लेना। एक छोटा सा परिभाषा समझो विद्युत मोटर का, ठीक है, फिर मैं आपको फिगर से समझाता हूं। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसा जो विद्युत मोटर होता है, एक ऐसा साधन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बस इतना सा आपको परिभाषा याद रखना है बस। अब आपको मैं एक फिगर के साथ समझाता हूं। ये आप लोगों का N यानी कि मैग्नेट है, चुंबक है, ये आप लोगों का S चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये क्या है? चुंबक है। एंड ये आप लोगों का आर्मेचर या फिर कुंडली है, A, A, V, C, D, ये आप लोगों का विभक्त वलय है, ये आप लोगों का बैटरी है प्लस माइनस, ये आप लोगों का कुंजी है, बस ये आपका विद्युत मोटर का फिगर है, मैंने ऑलरेडी बनाया सिखाया भी है कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बस ऐसा बना देना, कोई दिक्कत है नहीं, पूरा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और जो जो मैंने बताया इसको आप लोग दर्शा देना। अब आप लोग देखो अगला सिद्धांत, सिद्धांत में क्या समझना है, एक छोटा सा परिभाषा है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक वलयुग्म कार्य करने लगता है। तो जो कुंडली होता है, कुंडली पर एक वलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, मतलब उस पर जब बल कार्य करता है तो वो बल जो है ना कुंडली को ऐसा घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। अगर अगर आपकी कुंडली बिल्कुल स्वतंत्र है, घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर वो घूमेगा, कहने का मतलब है यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक छोटा सा चीज बताया है कि केवल आप विद्युत धारा प्रवाहित करना है कुंडली में, बस इतना यार आपको बताया हूं, मतलब इससे आसान कोई नहीं बताएगा, जाओ आप लोग चाहे जहां ढूंढ लो। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, और यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूमने लगती है। अब आप लोगों को क्रियाविधि समझना है, छोटा सा क्रियाविधि भी समझा देता हूं। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे यहां आपका बैटरी है, बैटरी से आप लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे कुंडली में, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AV तथा CD, जो AV है, A एंड V और C और D, ठीक है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो वलयुग्म कार्य करने लगते हैं। बराबर मतलब बराबर तथा विपरीत दिशा में, इनके जो दिशा है ना वो आपके विपरीत है,
जिसके कारण कुंडली दक्षिणा आवर्त दिशा में घूमने लगती है, जिसके कारण जो कुंडली है वो घूमने लगती है, मतलब बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक भाई कुंडली घूमेगा ही, और कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, जो कुंडली के साथ उसके सिरों पर विभक्त वलय लगे हुए हैं वो भी घूमने ही लगते हैं, और इन विभक्त वलयों की सहायता से विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। बस इतना सा क्रियाविधि लिखना है, मतलब इतना अगर आप लिख दोगे तो आप लोगों के लिए क्रियाविधि बिल्कुल समाप्त हो गया, यह सिद्धांत और क्रियाविधि। अब अगला हमारा जो टॉपिक है इसी में वो हमारा है विभक्त वलय का महत्व। इसी में आपसे पूछा है क्वेश्चन में विभक्त वलय का महत्व भी, ठीक है। तो समझो कि विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना, जैसे कुंडली में जो प्रवाहित धारा की दिशा है उसको बदलना, जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का बुरुषों से संबंध या फिर संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत बुरुषों से संपर्क जुड़ जाता है, इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा एक ही मतलब धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है और कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। बस इतना सा आपको कहना है। तो ये आज का हमारा साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसे में आप लोगों की सारी चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको साइंस में पढ़ाया है, जो वीडियो नहीं देखा है देख लेना, क्योंकि थोड़ा मेहनत करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, और यहां से मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट कंप्लीट करा दिया। जो वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूं उसको ध्यान से देखा करो, क्योंकि यहां से 100% जो चांस वाले क्वेश्चन है वही मैं आप लोगों को बताता हूं। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।